हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइल हैलाइड समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज़ फिजिकल स्टेट। तो देखो, जब हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि रूम टेम्परेचर पे ये जो एल्काइल हैलाइड्स हैं ये कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैशियस स्टेट में। ठीक है, तो अगर हम CH3Cl की बात करें CH3Br या फिर C2H5Cl ले लें या फिर कुछ क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स ले लें, तो ये सारे रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में होते हैं। ठीक है, आर गैसेस एट ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे वैसे वैसे इनका फिजिकल स्टेट लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता जाता है। ठीक है, सो हायर मेंबर्स आर स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स और ऑर्डरलेस सॉलिड्स। अगर हम इनके कलर की बात करें तो जनरली ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, सो कैसे होते हैं, जनरली जनरली कलरलेस होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम आयोडीन को लाइट के प्रेजेंस में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो वायलेट हो जाता है। ठीक है, आयोडीन ऑन स्टैंडिंग इन लाइट बिकम्स वायलेट। राइट, क्यों वायलेट हो जाता है, रिएक्शन देखो, ट्वाइस आर आई इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑन स्टैंडिंग इन लाइट क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा और आई टू अलग हो जाएगा। ठीक है, नाउ जो थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी और मैक्सिमम क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से पूछे जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। राइट, अब समझो यहाँ पे कि जो एल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है, जब हम एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। तो इसकी वजह से ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड में पोलैरिटी रहती है ना। पोलैरिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे पोल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, तो पोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर पोल का फॉर्मेशन हो गया तो हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर है। राइट, और अगर मॉलिक्यूल पोलर है तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डाइपोल डाइपोल हो जाएगा, डाइपोल डाइपोल हो जाएगा। राइट, डाइपोल डाइपोल फोर्स कैसा फोर्स है, वैंडरवॉल फोर्स है। ओके, तो वैंडरवॉल फोर्स की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे जैसे चेन का साइज बढ़ता है या फिर जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ता है वैसे वैसे ये फोर्स स्ट्रांग होते जाता है। ठीक है, तो पहले इतना नोट कर लेते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, आर एक्स बॉन्ड इज पोलर
intermolecular force is dipole-dipole interaction or van der Waal force ठीक है राइट दे हैव हायर मॉलिकुलर मास देन पेरेंट हाइड्रोकार्बन है ना पेरेंट हाइड्रोकार्बन से हमेशा मॉलिकुलर मास ज्यादा होगा ठीक है राइट वैन डर वाल फोर्स कैसा होगा वैन डर वाल फोर्स इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास या फिर चेन लेंथ राइट अब इनमें ट्रेंड समझते हैं देखो फर्स्ट क्या बोला जा रहा है कि अगर एल्काइल ग्रुप सेम है और हेलोजन चेंज हो रहा है ठीक है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा ठीक है क्या बोल रहे हैं इफ एल्काइल ग्रुप is same but halogen is changing ठीक है तो order क्या हो जाएगा boiling point का boiling point decreases in the order सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आर आई का होगा फिर आर बी आर का होगा फिर आर सी एल का होगा और फिर आर एफ का होगा ठीक है और रीज़न क्या है कि हेलोजन का मास अगर कम होते जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होते जा रहा है क्योंकि वैन डर वाल फोर्स कम होते जा रहा है ना तो अगर हम इसको एक एग्ज़ाम्पल की मदद से समझें तो देखो मेरे पास सी एच फोर है सी एच थ्री एफ है सी एच थ्री सी एल सी एच थ्री बी आर और सी एच थ्री आई है ना आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने ये जो एल्काइल ग्रुप रखा हुआ ये सेम रखा है ना तो हमने यहाँ पे क्या कहा है इफ द एल्काइल ग्रुप इज सेम और हेलोजन चेंज हो रहा है ना तो आप देख सकते हो हेलोजन चेंज हो रहा है सब में ठीक है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 111 केल्विन ठीक है इसका 195 केल्विन इसका 249 केल्विन इसका 277 केल्विन और इसका 315 केल्विन राइट तो आप देख पा रहे हो कि अगर हमने एल्काइल ग्रुप सेम रखा हुआ है और हैलोजन को अगर हम चेंज करते जा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होते जा रहा है और कैसे चेंज होते जा रहा है सबसे ज्यादा आयोडीन के साथ आ रहा है फिर ब्रोमीन के साथ फिर क्लोरीन के साथ फिर फ्लोरीन के साथ क्योंकि मॉलिकुलर मास बढ़ रहा है ठीक है सेकेंड देखो क्या हो जाएगा कि अगर हम हैलोजन को सेम रखते हैं और एल्काइल ग्रुप चेंज करते जाते हैं ठीक है ठीक है अगर हेलोजन को सेम रख रहे हैं और एल्काइल ग्रुप को चेंज कर रहे हैं ठीक है तो क्या होगा तो बॉइलिंग पॉइंट एल्काइल ग्रुप के बढ़ने से बढ़ेगा राइट क्या बोल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स राइट और रीजन क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बढ़ने से
मॉलिकुलर मास बढ़ेगा और वैंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। थर्ड क्या बता रहे हैं कि अगर आपके पास आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड्स हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड्स हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट है इट विल डिक्रीज विद ब्रांचिंग, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग, ठीक है। और इसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी वैसे वैसे मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता जाएगा, सरफेस एरिया कम होते जाएगा, वैंडरवॉल फोर्स वीक होते जाएगा, है ना। रीजन देख लो, रीजन विद ब्रांचिंग द मॉलिक्यूल बिकम्स स्फेरिकल, सरफेस एरिया डिक्रीजेस वैंडरवॉल फोर्स बिकम्स वीक, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर मेरे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, 5 कार्बन का एल्केन है, एन पेंटेन, राइट, एन पेंटेन, मैंने इसमें थोड़ी सी ब्रांचिंग की, बन गया आइसोब्यूटेन, ठीक है, और ब्रांचिंग कर दी, ये बन गया नियोपेंटेन, राइट। अब आप यहां पे देखो कि तीनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हैं, है ना, तो तीनों का मॉलिकुलर मास सेम है, ठीक है। तो यहां पे जो वैंडरवॉल फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वैंडरवॉल फोर्स डिपेंड कर रहा है सरफेस एरिया के ऊपर, है ना। यहां पे सरफेस एरिया मैक्सिमम है, धीरे धीरे आप देख रहे हो मॉलिक्यूल स्फेरिकल होते जा रहा है, सरफेस एरिया कम होते जा रहा है ना। तो जब सरफेस एरिया कम होगा तो वैंडरवॉल फोर्स वीक हो जाएगा, इंटर मॉलिकुलर एसोसिएशन कम होता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, राइट। नेक्स्ट देखो, अगर हम नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स बढ़ा देते हैं, ठीक है, इफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स इंक्रीजेस, तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज करते हैं तो मॉलिकुलर मास इंक्रीज होता है ना। जैसे कि CH4 लिया, फिर हमने CH3Cl ले लिया, राइट, अब इसका मॉलिकुलर मास इससे ज्यादा है, फिर हमने एक और हाइड्रोजन हटा के CH2Cl2 ले लिया, इसका मॉलिकुलर मास और इससे ज्यादा हो गया, CHCl3 ले लिया, मॉलिकुलर मास और बढ़ गया, CCl4 ले लिया, मॉलिकुलर मास और बढ़ गया, है ना। तो जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ेगा वैंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर था, आई होप आपको बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज डेंसिटी, ठीक है। तो अब डेंसिटी में देखो, ये जो डेंसिटी है इंक्रीज होती है फ्लोराइड से आयोडाइड्स तक, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोराइड्स टू आयोडाइड्स, ठीक है। जो RF और RCl होते हैं दे आर लाइटर देन वाटर, RF एंड RCl आर लाइटर देन वाटर। जो RBr और RI होते हैं दे आर हैवियर देन वाटर, RBr एंड RI आर
आर बी आर एंड आर आई आर हैवियर देन वाटर, ठीक है राइट। तो अगर हम इनके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आर आई की डेंसिटी, फिर आर बी आर की डेंसिटी, फिर आर सी एल और फिर आर एफ, ठीक है। जब हम एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सी एच थ्री आई होता है, ठीक है, इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है, हैज मैक्सिमम डेंसिटी, ठीक है राइट। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सी एच थ्री आई की डेंसिटी मैक्सिमम होती कितनी होती है, 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है राइट। और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं डेंसिटी कम होती जाती है, ठीक है, ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं, डेंसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना। इसका मतलब है कि अगर मैं सी एच थ्री आई लेता हूँ जिसकी डेंसिटी मैंने 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कही है, तो अगर मैं सी टू एच फाइव आई लूँगा, है ना, मैंने कार्बन एटम बढ़ा दिया तो इसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए, सो 1.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं सी थ्री एच सेवन ले रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल राइट, तो इसकी डेंसिटी 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जा रही है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमने यहाँ पे बोला है डेंसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं डेंसिटी कम होती जा रही है ना। अब इसका रीजन क्या है, देखो जब हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है, और डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम होता है, तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज होगी राइट। तो रीजन क्या दे दिया, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड सिंस डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम देयरफॉर डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी में एक और चीज ध्यान में रखना कि जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज होंगे डेंसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, है ना। मतलब जैसे जैसे हेलोजन एटम इंक्रीज होंगे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, है ना, तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है तो डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है राइट। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आ जाती है दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो ध्यान में रखना जब भी सॉल्युबिलिटी की बात की जाती है तो बाय डिफॉल्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर का डिस्कशन होता है, ठीक है, कि कोई सब्सटेंस वाटर में कितना सोल्यूबल है राइट। अब वाटर में किसी भी सब्सटेंस के सोल्यूबल होने के लिए जनरली दो चीजों का ध्यान रखा जाता है, एक कि वो पोलार होना चाहिए, है ना, क्योंकि लिक्विड्स में सोल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है, और दूसरा वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करना चाहिए, है ना। तो जब मैं आर एक्स की बात करता हूं, ठीक है, तो हमने यहां पर यह तो देख लिया कि यहां पर बॉन्ड में पोलैरिटी है राइट, तो मॉलिक्यूल तो पोलर है राइट, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बताई जा रही है कि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाना चाहिए, ठीक है, तो क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर पाते हैं दैट इज वाई दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर सिंस दे आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग
विद वाटर, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजोल्व करने की बात करें तो दे आर रेडली सोल्यूबल, ठीक है। सो रेडली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनफ्लेमेबिलिटी। ठीक है, तो जनरली ये लेस इनफ्लेमेबल होते हैं देन पेरेंट हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सो जनरली आर लेस इनफ्लेमेबल than parent hydrocarbon, ठीक है। और ये जो inflammability है ये decrease होती with increase in number of halogen atoms. Inflammability decreases with increase in number of हेलोजन एटम्स, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना, बहुत बार मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि जो CCl4 है, ठीक है, वो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो CCl4 इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द नेम पायरीन, ठीक है, पायरीन के नाम से ये बिकता है, राइट। और एक ये लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो, डाइपोल मोमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डाइपोल मोमेंट। तो ये जो डाइपोल मोमेंट होता है इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। क्या होता है डाइपोल मोमेंट? Product of magnitude of charge and distance between them, ठीक है, right? तो dipole moment का यहाँ पे जो order होता है, ठीक है, order क्या होता है? CH3Cl, CH3F, CH3Br एंड CH3I, ठीक है। CH3Cl का डाइपोल मोमेंट 1.860 होता है, इसका 1.847 होता है, इसका 1.830 होता है और इसका 1.636 होता है, ठीक है। नाउ यहां पे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है कि भाई F तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, है ना, और जो डाइपोल मोमेंट है वो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहां पे होती है वहीं पे डाइपोल मोमेंट देखने को मिलता है, राइट। तो अगर यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, है ना, ध्यान रखो कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, ठीक है, फ्लोरीन की 4.0 होती है, क्लोरीन की 3.5 होती है, ब्रोमीन की 2.8 होती है एंड आयोडीन की 2.5 होती है, राइट। तो जो CF बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा, है ना। CCl बॉन्ड में कितना हो जाएगा? 1.0 हो जाएगा। CBr बॉन्ड में 0.3 हो जाएगा और CI बॉन्ड में 0.0 डिफरेंस होता है, राइट। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस CF बॉन्ड में हो रहा है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होना चाहिए देन CCl, है ना, जबकि CCl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, राइट।
तो आप ध्यान दो कि जो डायपोल मोमेंट है ये और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायपोल मोमेंट यहाँ पे डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर हम सी एच थ्री एफ और सी एच थ्री सी एल को कंपेयर करें तो सी एच थ्री एफ का जो डिस्टेंस है वो कम होता है देन सी एच थ्री सी एल, राइट। तो इसलिए जो डायपोल मोमेंट है वो सी एच थ्री एफ का कम हो जाता है देन सी एच थ्री सी एल, ठीक है। तो आई होप आपको ये डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज आप मेरे को पूछ सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।